हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खनराज किचन। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ पीरी पीरी पनीर टिक्का। इसका एक मेन इंग्रेडिएंट्स है पीरी पीरी स्पाइस मिक्स। इस स्पाइस मिक्स को और मसाले को पीरी पीरी स्पाइस मिक्स के नाम पर भी जाना जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको जो मसाला चाहिए वो है पेरी पेरी मसाला। इसे आप ऑनलाइन या तो फिर कोई भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक बोल, इसके अंदर हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो हम सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट करीब 2 टीस्पून, साथ में डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 3 टीस्पून, ये हम कलर के लिए डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर करीब 1.5 टीस्पून, साथ में डालेंगे जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे पीरी पीरी स्पाइस मिक्स करीब 3 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 3 टीस्पून, साथ में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल करीब 4 टीस्पून। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसमें मिलाएंगे रोस्टेड चना पाउडर। रोस्टेड चना पाउडर के बदले आप बेसन को रोस्ट करके भी डाल सकते हो। 1.5 चम्मच मिला दिया है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और हम इसमें अब मिलाएंगे पनीर। करीब 350 ग्राम पनीर है जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। साथ में डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटो और कैप्सिकम। 3 वेजिटेबल हम डालेंगे काट के। एक एक करके ही काफ़ी होगा इस रेसिपी के लिए, एक टमाटो, एक प्याज और एक कैप्सिकम। तो हम अब हल्के हाथों से इसे मिला लेंगे और हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1 घंटे के बाद हम इसे सीक में लगाएंगे। हमने यहाँ पर कुछ बैम्बू सीक भिगो के रखा है पानी में। इसे करीब 1 से 2 घंटे तक आप भिगो दीजिए। भिगोने से ये जल्दी आग नहीं पकड़ेगा जब हम इसे गैस के ऊपर सेकेंगे। तो अब हम एक सीख लेंगे और उसमें सबसे पहले हम वेजिटेबल लगाएंगे। प्याज लगा दिया है, उसके बाद हम इसमें और एक वेजिटेबल लगा देंगे टमाटो, और इसके बाद हम पनीर को इसमें लगाएंगे। हम फिर से सब्जी लगाएंगे और उसके बाद पनीर। ऐसा करने से हमारा जो पनीर है वो अपनी जगह पर टिकी रहेगी, इधर उधर नहीं होगा, एक जगह पर रहेगी। तो हमारा सीख काफ़ी छोटा है तो इसमें 3 ही पनीर आया है। तो ऐसे हम सारे सीख को रेडी कर लेंगे। तो हमने सारे पनीर को सीख में लगा लिया है। अब हम इसे गैस पर सेक के रेडी करेंगे। तो हम ऑन करेंगे गैस और इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे हम रखेंगे। एक साथ हम 2 स्टिक लेंगे और इसे हम सेकेंगे। इस पनीर को रेडी होने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 मिनट चाहिए होगी। 3 से 4 मिनट तक आपको धीरे धीरे इसे सेकना पड़ेगा। इसे आपको कंटिन्यूसली घुमाते रहना है और आगे पीछे करते रहना है ताकि हमारा जो पनीर चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। बीच में हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा देंगे तो ये ड्राई नहीं होगा ऑयल लगाने से। और ऐसे हम सारे पनीर की जो सीख है उसे हम रेडी कर देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा
क्योंकि हम एक साथ दो ही कर पाएंगे। ये अब हो गया है, अब हम रोटी सेकने का जो जाली है उसके ऊपर इसे सेकेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हम एक साथ 3 स्टिक इसके ऊपर रख देंगे और इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। जाली को थोड़ा हमें घुमाना है हाथों से ताकि सारे पनीर अच्छे से हमारा कुक हो जाए और साथ में स्टिक को भी हम थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से अच्छे से कुक हो। मेरे हिसाब से जाली से ज़्यादा आप डायरेक्ट अगर गैस के ऊपर सेकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जाली में जो भी मसाला चिपक जाता है वो जल्दी आग पकड़ लेता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि ये आग ना पकड़े और आपको गैस को थोड़ा सा कम ज़्यादा करते रहना होगा, ताकि अगर ये जल जाए तो आपको गैस को कम करना पड़ेगा। इसे भी हम थोड़ा सा बीच में ऑयल लगा लेंगे और इसे सेक लेंगे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब हम इसे साफ कर देंगे। इसके साथ हम बनाएंगे एक चटनी रेड कलर की। तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है टमाटो, एक रेड कैप्सिकम और रेड बेल पेपर भी इसे कहा जाता है, और एक ग्रीन चिली। अब हम टमाटो की जो स्किन है उसे हटा देंगे और अंदर का जो सीड्स है उसे भी निकाल देंगे। निकालने के बाद हम टमाटो को काट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अब हम रेड कैप्सिकम को भी ऐसे उसका स्किन निकाल देंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। अंदर का जो सीड्स है उसे हम नहीं यूज करेंगे, सीड्स को हम निकाल देंगे। अंदर का सीड्स और जो सफेद हिस्सा है पार्ट है उसे आप निकाल दीजिए और इसे भी चॉप कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। हमने ग्रीन चिली को भी काट कर लिया है, ग्रीन चिली का छिलका निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम सारी चीजों को मिक्सी के अंदर डाल देंगे, टमाटो कैप्सिकम और ग्रीन चिली। साथ में हम डालेंगे मुट्ठी भर धनिया, डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस करीब 2 टीस्पून, साथ में डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक थोड़ा सा 2 चुटकी भर, डालेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून, साथ में डालेंगे हम पीरी पीरी स्पाइस मिक्स करीब 2 टीस्पून, साथ में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल देंगे। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे हम पीस लेंगे तो हमारा चटनी रेडी हो जाएगा। इस मसाले को पीसते वक्त मिक्सी को ओवरलोड ना करें, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा। तो हमारा चटनी भी रेडी है और हम इसे कबाब के साथ सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल खनराज किचन। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।